everyone. I welcome you to the Economics Hub. In previous session, we studied about budget set and budget line. In this session, we are going to study more about budget line and attainable and non-attainable combinations. We already know that budget line is also known as price line. Now we learn about price line. Price line shows price ratio between two goods. यानी price line show करती है क्या ratio है, क्या price ratio है between two goods, दो goods के बीच का. For example, price of good one is 2 per unit. Price of good one is rupees 2 per unit. 2 रुपए की है. अगर हमने एक यूनिट एक गुड का ख़रीदना है तो हमें 2 रुपए देने पड़ेंगे. प्राइस ऑफ गुड 2 इज़ 1 पर यूनिट. यानी कि प्राइस जो है गुड 2 का रुपीज़ 1 है पर यूनिट. द कंज्यूमर हैज़ रुपीज़ 60 टू स्पेंड और इसका टोटल बजट कितना है 60 रुपीज़. गुड 1 कितने का है 2 रुपए का है एक यूनिट. एक अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो 2 रुपए का है. और गुड 2 में अगर वो एक प्रोडक्ट लेता है पर यूनिट 1 रुपए का है. ठीक है. और 60 उसकी टोटल बजट है रुपीज 60. सो इन दिस केस मैक्सिमम 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 आर परचेज्ड इफ एंटायर बजट इज स्पेंट ऑन गुड 1. What I said, entire budget, यानी कि पूरा का पूरा उसका जितना 60 रुपीज़ है, entire budget. So in this case, maximum 30 unit of good one are purchased if entire budget is spent on good one. यानी वो 30 यूनिट ख़रीद पाएगा गुड वन के अगर उसका सारा का सारा बजट जितना उसका 60 रुपीज़ का बजट है अगर वो गुड वन पर लगा देगा तो मैक्सिमम 30 यूनिट्स ख़रीद पाएगा. हाउ? यूनिट ऑफ गुड परचेज इज इक्वल टू टोटल बजट अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वन. टोटल बजट कितना है 60 रुपीज़ और 2 पर यूनिट. 2 रुपये की है वो चीज़. एक चीज़ अगर वो से अगर वो कोई एप्पल ख़रीद रहा है या फिर कोई ऑरेंज ख़रीद रहा है या कुछ भी अगर वो उसको एप्पल्स चाहिए तो एक एक एप्पल उसको 2 रुपए का मिल रहा है और 60 रुपीज़ उसका टोटल बजट है तो डिवाइड किया 30 यूनिट्स. इन अदर केस मैक्सिमम 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2 कैन बी परचेज्ड व्हेन एंटायर बजट इज स्पेंट ऑन गुड 2. दूसरे केस में 60 यूनिट्स ख़रीद पाएगा अगर उसका एंटायर बजट उसका जितना भी उसके पास एंटायर बजट है 60 रुपीज़ अगर तो वो ख़रीद पाएगा 60 यूनिट्स ख़रीद पाएगा. यूनिट ऑफ गुड 2 परचेज इज इक्वल टू टोटल बजट अपॉन में प्राइस ऑफ गुड 2 एज हमने प्राइस गुड 1 में किया था. वहाँ पे प्राइस ऑफ गुड 1 ली गई थी, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड 2 ली गई है. उसका बजट कितना है 60 रुपीज़ और कितने की यूनिट, एक यूनिट एक पर यूनिट उसको कितने की मिल रही है 1 रुपये की. तो 60 यूनिट्स वो ख़रीद पा रहा है. गुड 1 के केस में वो 30 यूनिट्स ख़रीद पा रहा था क्योंकि उसका टोटल बजट 60 का था और 2 रुपीज़ उसके पास प्राइस थी उस यूनिट की, पर यूनिट की. एक गुड के पर यूनिट की प्राइस 2 रुपीज़ थी तो वो 30 यूनिट ख़रीद पा रहा था और गुड 2 में वो 60 यूनिट्स ख़रीद पा रहा है. क्यों? क्योंकि टोटल बजट 60 है और 1 पर यूनिट उसका प्राइस है. हेयर प्राइस लाइन शोज दैट 30 यूनिट ऑफ गुड 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट ऑफ गुड 2. प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट ऑफ गुड 2. कैसे? क्योंकि ये दिखा रहा है ना कि 30 यूनिट ऑफ गुड 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट क्योंकि उसका बजट तो पूरा 60 का ही है लेकिन गुड जो 1 थी वो हमें 2 पर यूनिट की पड़ रही थी, रुपीज़ 2 पर यूनिट की पड़ रही थी और गुड 2
हमें वन पर यूनिट की पड़ रही है, रुपी वन पर यूनिट की पड़ रही है, तो इस हिसाब से वो 60 यूनिट खरीद पाया। इसलिए यहाँ पे लिखा है हेयर प्राइस लाइन शोज दैट 30 यूनिट ऑफ गुड वन आर इक्वल टू 60 यूनिट्स ऑफ गुड टू। दस प्राइस लाइन शोज दैट 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू आर टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ गुड वन। जब वो दो यूनिट गुड टू की सैक्रिफाइस करेगा, वो दो यूनिट, तब जाके वो वन यूनिट ऑफ गुड वन खरीद पाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये हमारी बजट लाइन है या प्राइस लाइन बोल लो इसको, जो भी, बजट लाइन और प्राइस लाइन दोनों, ए बी हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अब जहाँ पर भी क्रॉस लाइन लगे हैं, जहाँ पे भी क्रॉस है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्रॉसेस क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और ज़िगज़ैग साइन क्या शो कर रहा है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन, फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन इज अ लाइन दैट सेपरेट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशंस दैट सेपरेट्स अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किसको? सेपरेट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम किससे? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस से। बजट लाइन सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को, फिजिबल कॉम्बिनेशंस को नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन से। ये बजट लाइन है ए बी, ये सेपरेट कर रही है नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। फिजिबल कॉम्बिनेशंस आर द कॉम्बिनेशंस दैट लाइज अलोंग द लाइन ए बी और इनसाइड इट। नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस आर कॉम्बिनेशंस दैट लाइज आउटसाइड द लाइन ए बी। फिजिबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस हैं जो लाइन ए बी के ऊपर लाई करते हैं या उसके अंदर लाई करते हैं। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? जो उसके बाहर हैं। अब हम क्या हम ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं जो नॉन अटेनेबल हो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है और प्राइसेस जितने हैं उतने बजट में हमको उसी प्राइस पे हमको ख़रीदना है। हमारा बजट 60 था प्रीवियस केस में, तो प्रीवियस केस में हमने अगर 60 यूनिट लिया तो हमने देखा था ना कि 60 अगर वो गुड टू ख़रीदता है तो वो 60 यूनिट खरीद पाएगा और गुड वन में वो 30 यूनिट खरीद पा रहा था। तो बजट लाइन ने क्या कर दिया? अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को फर्स्ट सेपरेट किया, दूसरा हम कभी भी नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते, सिर्फ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते हैं और सिर्फ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। I hope the topic is clear now. If there is any query, then you can ask it in the comment section. For now, bye. Take care.